जय हिंद जय भारत दोस्तों, व्यक्तित्व विवेचना में आज हम मध्य प्रदेश के साहित्य के पर्याय, व्यंग्य के पर्याय, साहित्य में व्यंग्य की विधा को एक नवीन आयाम और मुकाम तक पहुंचाने वाले मध्य प्रदेश के जमानी ग्राम होशंगाबाद में जन्म लेने वाले हरिशंकर परसाई, जिन्होंने व्यंग्य को सामाजिक कुरूतियों का, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का माध्यम माना। व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्यों पर व्यंग्य किया और समाज की बुराइयों को उजागर किया। उनके व्यंग समाज सुधार के माध्यम बने। किसी भी चीज़ की युक्तियुक्त समीक्षा करना, तार्किक व्याख्या करना और उस पर युक्तियुक्त रूप से कटाक्ष करना, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसे व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई, जिन्हें भारत का आधुनिक कबीर कहते हैं। जो काम कबीर ने भक्ति काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में भारत के समाज में किया, वो काम कहते हैं भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, भारतीय समाज के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई जी ने किया। जन्म होशंगाबाद में हुआ था, शिक्षा नागपुर में हुई थी और उनकी कर्मस्थली जबलपुर भी रहा। पत्रिका कहते हैं वसुधा नाम की पत्रिका उन्होंने घाटे के बावजूद भी चलाई। वसुधा नाम की पत्रिका जिसका वो संपादन कर रहे थे, उसमें उन्हें घाटा भी लगा, लेकिन अपने स्वभाव से मेल खाने के कारण उसे उन्होंने जारी रखा। कहते हैं पहरी नाम की पत्रिका भी हरिशंकर परसाई के द्वारा चलाई गई थी, उसका संपादन किया गया था। पद्मश्री से लेके मध्य प्रदेश साहित्य सम्मान से लेके बड़े बड़े सम्मान इन आधुनिक कबीर हरिशंकर परसाई को दिए गए हैं। अगर हम बात करें अब एग्ज़ाम की हरिशंकर परसाई की, तो एक व्यंग्यकार के रूप में इनकी पुस्तकें पूछ ली जाती हैं और उनकी पुस्तकों को हमने यहाँ लिखा भी है ताकि छात्रों को कोई तकलीफ ना हो। जब उनकी पुस्तकों को हम व्यंग के रूप में अगर पढ़ें और लिखें तो हम उसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि रानी नागफनी की कहानी सुनिए परसाई से। इनकी एक पुस्तक है रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी सुनिए परसाई से। तब की बात कुछ और थी, ध्यान रखना, तब की बात कुछ और थी, तब सदाचार का ताबीज था, तब भूत के पांव पीछे भी होते थे, आज विकलांग श्रद्धा का दौर है, बेईमानी की परत है, पगडंडियों का जमाना है, पूछिए परसाई से, शिकायत उन्हें भी है, जैसे उनके दिन फिरे, पहले वो रोते थे हंसते थे, जैसे उनके दिन फिरे, शिकायत परसाई को है। अगर इस पुस्तकों के संग्रह को हम एक कहते हैं कलेक्शन के रूप में पढ़ें, एक श्रृंखला के रूप में पढ़ें, तो हमें इनकी पुस्तकें अलग से याद नहीं करने पड़ेंगी। जैसे हम फिर से पढ़ें कि रानी नागफनी की कहानी सुनिए परसाई से, रानी नागफनी की कहानी सुनिए परसाई से, तब की बात कुछ और थी, तब सदाचार का ताबीज था, तब भूत के पांव पीछे भी होते थे, आज विकलांग श्रद्धा का दौर है, बेईमानी की परत है, पगडंडियों का जमाना है, पूछिए परसाई से, कैसे उनके दिन फिरे, पहले हंसते थे रोते थे, शिकायत मुझे भी है, पूछिए परसाई से, कैसे उनके दिन फिरे, किनके दिन, रानी नागफनी के दिन, जिन रानी नागफनी की कहानी हम सुन रहे हैं, जिन रानी नागफनी की कहानी हम सुन रहे हैं, उनके दिन कैसे फिरे, पहले वो हंसते हैं और रोते हैं, पूछिए परसाई से, शिकायत मुझे भी। इसी क्रम में अगर आप इस कहते हैं कलेक्शन को, इस श्रृंखला को पढ़ेंगे तो हरिशंकर परसाई की किताबें याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी एग्जाम में आएगा कि भूत के पांव पीछे, तो आपकी गलती नहीं होगी, सदाचार का ताबीज तब गलती नहीं होगी, पूछिए परसाई से, शिकायत मुझे भी, रानी नागफनी की कहानी। और एक और पुस्तक तट की खोज, उसको भी हमने लिख दिया है, तट की खोज भी इन हरिशंकर परसाई की है, जो व्यंग्यकार हैं, व्यंग में एक नया मुकाम, व्यंग को एक नया मुकाम दे गए हैं, कहते हैं व्यंग को एक नया मुकाम दे गए हैं, उन हरिशंकर परसाई की किताबों को इस श्रृंखला के रूप में हम याद करेंगे तो वो हमें एग्ज़ाम में भी याद
आएंगी। ऐसे ही व्यक्ति विवेचना में हैं, हम मध्य प्रदेश के अन्य साहित्यकारों को भी प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।